गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं प्रमुख पाश्चात्य विचारकों का। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय, उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं एवं उसकी अध्ययन पद्धति का अध्ययन किया। आज हम थॉमस हॉब्स के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 17वीं और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में इस सिद्धांत की पूर्ण प्रधानता थी। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य देवीय न होकर एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। यानी यह सिद्धांत राज्य को देवीय या ईश्वर निर्मित नहीं मानता है, बल्कि इसको मानव निर्मित मानता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं, एक प्राकृतिक अवस्था का काल और दूसरा नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। इस सिद्धांत के सभी प्रतिपादक अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य या राज्य जैसी कोई अन्य संस्था नहीं थी। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में इस प्राकृतिक अवस्था के संबंध में पर्याप्त मतभेद हैं। यानी जो प्राकृतिक अवस्था है, इसका स्वरूप कैसा है, इसको लेकर इन विचारकों में कुछ मतभेद हैं। जैसे कुछ इसे पूर्व सामाजिक मानते हैं तो कुछ इसे पूर्व राजनीतिक अवस्था भी कहते हैं। इस प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार या प्राकृतिक नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस प्राकृतिक अवस्था के संबंध में मतभेद होते हुए भी सभी मानते हैं कि किसी कारण से मनुष्य प्राकृतिक अवस्था का त्याग करने को विवश हुए और उन्होंने समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की। इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और स्वतंत्रता के बदले उसे राज्य व कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ। होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। थॉमस होब्स इंग्लैंड के निवासी थे और राजवंशीय संपर्क के कारण उनकी विचारधारा राजतंत्रवादी थी। उनके समय में इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच तनावपूर्ण विवाद चल रहा था। इस संबंध में होब्स का विश्वास था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना देश में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। अपने इस विचार का प्रतिपादन करने के लिए उसने 1651 में प्रकाशित पुस्तक लेवियाथन में समझौता सिद्धांत का वर्णन किया। उसने सामाजिक समझौते की व्याख्या इस प्रकार की है। होब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचार। होब्स के समय में चल रहे इंग्लैंड के गृह युद्ध ने उसके सामने मानव स्वभाव का गणित पक्ष ही रखा। उसने अनुभव किया कि मनुष्य एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी है। यानी वह मनुष्य को कैसा मानता है, स्वार्थी और अहंकारी। वह सदा ही शक्ति से स्नेह करता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। होब्स की प्राकृतिक अवस्था। इस स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी व्यक्ति के जीवन पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने का संभावित परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखने लगा और सभी भूखे भेड़ियों के समान एक दूसरे को निगल जाने के लिए घूमने लगे। यानी प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य सभी के शत्रु थे। मनुष्य को
न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था और प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट की धारणा पर आधारित थी। समझौते का कारण, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा मृत्यु और संहार के भय ने व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह इस असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक समाज का निर्माण करें। यानी समझौते का कारण क्या था? जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, सामाजिक समझौता। नवीन समाज का निर्माण करने के लिए सब व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया। यानी समझौते के भागीदार कौन है? समाज के सभी व्यक्ति। होब्स के मतानुसार यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्ति समूह से किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं इस व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ, जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को माने। इस प्रकार सभी व्यक्तियों ने एक व्यक्ति अथवा सभी के प्रति अपने अधिकारों का पूर्ण समर्थन कर दिया और यह शक्ति या सत्ता उस क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता बन गई। यही राज्य का श्री गणेश है, प्रारंभ है। इस तरह सारा जन समुदाय एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है, इसे राज्य या सिविटास कहते हैं। होब्स के अनुसार यही उस महान लेवियाथन या देवता का जन्म है, जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति तथा सुरक्षा निर्भर है। नवीन राज्य का रूप, होब्स के समझौते द्वारा एक ऐसी निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की गई, जिसका शासक संपूर्ण शक्ति संपन्न है और जिसकी प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। ध्यान देवे, यहाँ शासक के केवल अधिकार हैं, प्रजा के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं है। शासित वर्ग को शासक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो आज हमने थॉमस होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।